हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज बड़ा ही एक खास एक्साइटिंग दिन है मेरे लिए, क्योंकि टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी, थंबनेल भी देख लिया होगा। सो आज मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को मिलने, अपनी वाइफ को मिलने, आफ्टर लॉन्ग 50 लॉन्ग डेज। और इट हैज़ बीन वेरी टफ टाइम उन लोगों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फाइनली मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ और बच्चे को वापसी लेने घर। अभी मैं हूँ अपने घर पे और अभी मैं निकलूँगा यहाँ से देहरादून एयरपोर्ट, जौहरी ग्रांट एयरपोर्ट के लिए, जिसे जहाँ तक मुझे शो निकले दीपराज भंडारी आ रहा है। और वहाँ से मैं लूँगा फ्लाइट जयपुर के लिए, और जयपुर में है मेरे फैमिली एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माई फैमिली एंड ब्रिंग देम होम बैक। सो ये बहुत ही एक एक्साइटिंग ब्लॉग मेरे लिए, थोड़ा सा इमोशनल भी होगा। तो I hope you will watch the entire video and make sure you hit like and share and subscribe to the channel if you haven't already. So I'm all ready to go. अरे बहन जी, इसके अंदर वो देखे बर्तन रखने वाली जाली और इंडक्शन लेना जरूरी है। अरे यार मना भी करा मैंने, क्या बोले, क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आ चुका है भंडारी और अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग। तो रखवा दिया द वर्स्ट पार्ट जो मैं लेके चल रहा था, और अभी हम लोग निकलते हैं। सो माय बोर्डिंग इज शोइंग डिलेड, विलंबित, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लिखा था विलंबित। सो आई डोंट नो कि आप लोग समझते हैं विलंबित या नहीं। सो इफ नॉट देन आई विल टेल यू दैट इट इज डिलेड। सो डिलेड बोला है, टाइम ऑलरेडी 6:18 और 6:20 का बोर्डिंग हुआ पता चल गया था। तो आई होप कि टाइम से हो जाए, क्योंकि यहाँ अंदर बहुत बोरिंग होता है, इतना छोटा सा तो एयरपोर्ट सारा है और क्या ही कर लेगा कोई आदमी। तो आदत नहीं रहेगी ना मास्क की, तो अभी थोड़ा सा बुरा लगता है, बुरा तो नहीं अजीब लगता है। एंड देन या वेटिंग फॉर द बोर्डिंग एंड जैसा कि आपको बताइए, हर कोई जल्दी जाने की कोशिश में रहता है, तो सबको जा रहे हैं। अपन मेडिटेशन के टीचर हैं तो लास्ट में जाते हैं। सो दिस इज परफेक्ट। और कुछ लगे हैं प्लीज रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड, प्लेस इन योर सीट बेल्ट पॉकेट इन फ्रंट। लंबी फ्लाइट पहुंच गए हम लोग, और अभी मैं बैग का वेट करूंगा, बैग लूंगा, फिर चाहता हूँ वाइफ आ गई होगी मेरे को पिकअप करने।
और ये मेरा बैग, ये मेरा कन्ना का बैग। तो चलो बैग ले लिया और अभी हम चलते हैं, हम मिलेंगे। पहले वाइफ मिलेगी, बच्चा तो शायद नहीं आ रहा होगा, वो घर पे ही होगा। कोई टाइम पे नहीं होता ब्रदर, इस फ्लाइट के अलावा जिसने वक्त से पहले छोड़ दिया। अब ये वाइफ को मैंने तो जब लैंड हुआ था उसी टाइम बोल दिया था कि मैं आ गया हूँ, यहाँ से हार्डली 10 मिनट का रास्ता है, तभी अभी तक भी नहीं आया। बताओ यार, इंतज़ार नहीं होता बस, ट्राइंग माई बेस्ट टू बी पेशेंट बट स्टिल इंतज़ार नहीं होता, दिख भी नहीं रहे दूर दूर तक। रास्ता वो ही जिस पे चलते साए, वो ही ढलते ढलते दिल में जो कुछ था वो ही हो तो पे आने लगा, चाहता है वो भी मुझको अच्छा कितने।